दशहरा यानी विजयादशमी। वैसे तो दशहरा हर जगह का भव्य ही होता है, पर दिल्ली के रामलीला मैदान में जो दशहरा मनाया जाता है ना, वो सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में फेमस है। तो अगर आप कभी दिल्ली के रामलीला मैदान नहीं गए हैं तो आज हम आपको घुमाते हैं और बताएंगे कि इस बार के दशहरे में क्या खास था और क्या ऐतिहासिक था। उस मैदान में हजारों की भीड़ थी जिसमें हर वर्ग और उम्र के लोग मौजूद थे। लोग हर्षोल्लास से दशहरा मना रहे थे और हर चीज का लुत्फ भी उठा रहे थे। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले 70 से 100 फीट के थे और इस बार रावण दहन एक महिला के द्वारा किया जाना था। जी, 50 साल के बाद एक महिला रावण के पुतले का दहन करने वाली थी और वो महिला है बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत। वैसे ये अलग बात है कि कंगना रनौत के आने से पहले ही रावण का पुतला धराशायी हो गया, मतलब जमीन पर गिर गया, लेकिन फिर भी रावण के पुतले को खड़ा किया गया और कंगना रनौत ने बाण चलाकर रावण के पुतले का दहन किया। हालांकि ये सब करने में थोड़ा लेट जरूर हो गया। रावण दहन होने के बाद लोग पानी पूरी खा रहे थे, चाट टिक्की खा रहे थे, बच्चे झूले झूल रहे थे। ये सब देखकर बचपन की याद आना लाजमी था, पर देखकर कर भी क्या सकते थे, बस सुकून भरी निगाहों से देख सकते थे। सबसे ज़्यादा सुकून तो तब मिला जब एक छोटी बच्ची को बलून्स बेचते देखा। सुकून तो मिला पर थोड़ा बुरा भी लगा और ऐसे ही देर रात तक भीड़ उमड़ती रही और लोगों ने खूब इंजॉय किया। अगर आप कभी दिल्ली के रामलीला मैदान नहीं गए हैं तो एक बार जाएं ज़रूर, सुकून, तसल्ली सब मिलेगा, ये वादा है आपसे।